गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में सीधा गाड़ी में स्टार्ट कर रही हूँ। हम गुंजन के साथ जा रहे हैं वापस घर। सुबह सुबह मैंने पहले उठ के व्लॉग अपलोड करे, पहले मम्मा के दोनों, फिर एक मम्मा का एक पेंडिंग में, एक मेरा अपलोड करा तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद हम गए हल्दीराम, वहाँ से कुछ खाया पिया, अब हम सीधा जा रहे हैं घर। तो मैं घर जाके ही बाकी का स्टार्ट करूँगी। मम्मी लगातार मुझे देख ही जा रही। बोलो क्या बोलना चाह रही, बोलो। कुछ नहीं, माता रानी मेरे साथ है, तभी मैं लूंगी। तो आज मैं माता रानी की तरह, क्योंकि उनमें सत गुण है, जो चीज मानते हैं आपकी पूरी हो जाती है। चिंतपूर्णी माता जो है सबसे छोटी माता है और सबकी चिंता हरती है। पहले चिंता इसके देती है, इस, फिर हरती है। हाँ, है ना? चिंता देती है, हाँ, फिर हरती है। ये रहा सारा सामान, बहुत सारा सामान था। वो चाची का गिफ्ट है, वो स्वीट्स है, ये हमारा बैग है, उसमें लहंगा है मम्मा का। अब मम्मा आप और वो सारे अंदर गए, मम्मी का अलग व्लॉग चल रहा है, आप देख लेना उसमें। ओ देखो अब यही होगा, ऐसे व्लॉग से व्लॉग तक रहेंगे। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, कन्नू का सुबह फोन आया था कि मम्मी को, मम्मी मांग ही नहीं रही, कह रही मैं रुकूंगी। मैंने कहा सच में पूछी कि तबीयत खराब है दो दिन। अरे वॉमिटिंग कर रही है बहुत ज्यादा और उसने कुछ खाया। लेके जाना डॉक्टर पास इसको, डॉक्टर वापस तो नहीं करी। अब मैं देख रहा था कि अगर दोपहर तक करेगी ठीक है, सुबह तक सुबह करेगी ठीक है, उसने दोपहर उसी करी, दूध दिया, मैंने दूध दूध पी लिया, आज ठीक खा लिया, सारा कुछ कर दिया ठीक है। तब ठीक है, कोक भी ली बेती हूं। अब मम्मी आए ठीक हो जाएगी। चलो अब देखो ना वहीं पे खड़ी हुई है। नमस्ते दी, नमस्ते दी। मैंने ना कोको की क्लिप लगा दिया था, ये देखो दिख रहा होगा आपको क्लिप। ये इतनी कोशिश कर रही है इसको उतारने की, बिल्कुल छोटा सा क्लिप है ना, इसको दर्द हो रही ना, बाल खींच रहे हैं, तब भी नहीं लगाने दे रही कोको। अच्छा सीधा ये ले, एक तो सीधा होकर दिखाएगी भी नहीं, जब तक उतरे गाने ना इसको चैन नहीं आएगा। बचपन में ना हमने इतनी बड़ी गलती कर दी इनको छोटे छोटे क्लिप्स ना लगा के, कि अब इनको आदत ही नहीं है। इतना अच्छा लगता है शिट्जू को लोग अपने क्लिप्स लगाते हैं, ये लगवाते ही नहीं है। उतार रही हूँ, उतार दिया। तो उठते ही पापा ने सुबह सुबह भटूरे ला दिए हैं। मैंने और मम्मा ने जाना चांदनी चौक, तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ। तो पापा कहते हैं भटूरे हैं, नान है, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे आगे रख दिए। तो आपको पता है मेरा फेवरेट, सबसे बेस्ट मुझे लगता है भटूरे। तो मैं बस रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ और खाती हूँ, फिर निकलती हूँ मम्मा के साथ। मम्मा को दुकान का काम है, मैंने सोचा साथ ही चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी कुछ देखाती हूँ, उसके बाद आते हैं वापस, फिर मिलते हैं। बाकी वहाँ पे भी व्लॉग जितना हो सका बना लेंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जैसे वो जो मार्केट होती है वहाँ पे फोटोज क्लिक, जैसे वो ज्वेलरी मार्केट होती है वहाँ पे, तो फोटोज क्लिक करना ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो व्लॉग भी नहीं बन पाता। मैं ये वाला टॉप ओनली से लाई थी, अब मानोगे नहीं, मुझे कभी कभी मतलब मुझे आज तक मतलब बहुत टाइम से, आज तक सुनी स्मॉल साइज आया नहीं, लेकिन ये स्मॉल साइज है और मुझे लिटरली इतनी प्यारी फिटिंग आती है ना इसकी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुपर कंफर्टेबल होते हैं ओनली के कपड़े, मतलब जैसे स्ट्रेचेबल भी होते हैं और ऊपर भी नहीं चढ़ते हैं, तो मुझे ज़ारा से था ज़्यादा अच्छे ओनली के लगते हैं। तो वो जो ये वाला टॉप है वो इसमें साइज ही स्मॉल था, तो मैंने कहा नहीं मुझे आएगा नहीं, कहते नहीं आप ट्राई करो आएगा। जैसे ही मैंने पहना इतना प्यारा लग रहा था, मैंने इसको हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहना हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगी लुक, बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं और मम्मा आ चुके हैं चांदनी चौक, ये वही पार्क है जहाँ पे मम्मा के फ्रेंड्स मिलते हैं अभी। बंदा हाँ, मम्मा को बहुत पसंद है, वो अच्छे लगते हो छोटे छोटे, लेकिन भाई उनको खाना छीन लो कुछ भी कर लो खाने काट जाते हैं। अभी हमने ये लिए, मैंने ना मम्मा को कहा था इंजेक्शन नहीं लगते, तो सबने बोला था इंजेक्शन, फिर मैंने नेट पे भी पढ़ा भाई लगते हैं इंजेक्शन। अभी मैंने क्या कहते हैं मम्मी को बोला कि चलो पानी लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें दे रहे, मैंने कहा मैं तो नहीं ले रही, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें कौन संभाले। तो मैंने मम्मा को ये लेके दिया, मतलब ओशन वाटर पहली बार। तो मम्मी कहती मैं, हमने लिया मैंगो फ्लेवर, मम्मी बहस करी जा रही नहीं ये वो है, क्या कर रहा लीची है। फिर मैंने पढ़ाया, मैंने कहा ये सारे पागल बनाते हैं, कोई भी फ्लेवर डाल देते हैं और अलग अलग नाम लिख के भेजते हैं, लेकिन अच्छा है ओशन वाटर। अगर आपने भी कभी ना पी, मगर मुझे लीची का लग रहा है, पर ये हल्का नहीं, अच्छा नहीं, मतलब पानी हल्का है ना, हैवी है, जैसे मीठा पन है पानी में, और मतलब बुंदरी गाइस। ये रहे मम्मा के प्यारे प्यारे से छोटे नटखट फ्रेंड्स, ओहो मम्मिया भी हैं साथ में, बच्चे मम्मिया छोटे छोटे बच्चे,
मम्मी 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 मत करो, चलो आ जाओ आपकी रील बनाओ यहाँ पे एक। हम पार्क मेरा फुल लुक ये टॉप जो मैं क्रॉप टॉप पहन रही थी और ये जीन्स मुझे बहुत कंफर्टेबल की, बिल्कुल पजामा जीन्स है, बहुत अच्छी। और मुझे भी एक पजामा जीन्स लेके दियो। कितने कितने हजार की पजामा जीन्स? 10 लाख। चलो 10 लाख की पजामा जीन्स मैं भी लूंगी। बहुत बंदर हो रहे, चलो 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 काटना चाहिए। फोन ले गए मम्मी। अभी मम्मा यहाँ से कोफ्ते ले रही थी तो मैंने भैया को बोला कि इनको रोटी दे दो। भैया कहते हैं कि ये खाता तो सिर्फ मक्खन के साथ खाता है, उसके बिना ये रूखी रोटी खाता ही नहीं है। देख रहे हो इनके भी कितने वो हो गए। चलो चलो सही है, खा रहा है। खा ले मेरे बेटा, देखो खा रहा है। और मक्खन भी पूरा भर भर के खाता है ना। खा लेता है रोज, रोज खाता है। चलो सही, कोई खिला देता होगा ना। तो मैंने एक जारा से अपने लिए जीन्स मंगवाई है, बहुत अच्छी है, स्किन फिट। और ये मैंने मंगवाया परफ्यूम रेड वनीला का, इसका स्टे बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। एक मैंने शुगर का ब्लशर मंगवाया, पिंक शेड है ये, इसको देखो। कोको क्या हो गया बेटा? ये मैंने मंगवाई है लिपस्टिक, लवर शेड है इसका। और ये जो शेड है ना, आप मानोगे नॉर्मल डे टू डे वेयर है, बहुत अच्छा है। और इसका ना 24 आवर्स रहता है, लिटरली 24 आवर्स स्टे रहता है। मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक, आप यही मंगवाओ, प्रेफर करो। गर्ल्स अगर आप जैसे कहीं बाहर जाते हो, शादी पे जाते हो, तो बार बार लिपस्टिक लगानी पड़ती, इसमें तुम खाओ पियो कुछ भी करो हटेगा ही नहीं। ये मैंने मंगवाई है लिक्विड आई शेडो, अच्छी है ये भी, मैं यूज़ करके दिखाऊंगी आपको कैसी है। हिमालय क्या मैंने मंगवाया है बेबी वाइप्स, इससे आराम से फेस साफ हो जाता है, मतलब बिल्कुल डस्ट तक नहीं रहती है। नायका के कॉटन पैड्स मंगवाए हैं मैंने, बहुत सुपर सॉफ्ट हैं, अगर आप यूज़ करोगे ना आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बेस्ट मेकअप रिमूवर, एक बार आओ इसके ऊपर लगाओ, एक बारी में झट से निकल जाता है सारा। अब आ चुकी हैं गर्मियाँ, तो ये जो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है मैंने ये मंगवाया, सीरियसली ये इतनी लाइट है ना कि फेस पे लगा पता भी नहीं लगता है। ये मैंने मंगवाया लिप लाइनर, साथ में लगाऊंगी मैं लिपस्टिक के, क्योंकि अब फिर से लिप लाइनर का ज़माना चल चुका है, जैसे पहले चलते थे लिप लाइनर्स, अब फिर से चल चुके हैं, तो लेट्स सी कैसा लगेगा इसके ऊपर ये। और लास्ट मैंने मंगवाया ये शुगर पॉप का स्केच लाइनर, मुझे सबसे बेस्ट ही स्केच लाइनर लगता है, मुझसे लिक्विड लगता ही नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लगता ही नहीं मुझसे, मैंने कभी लगाया ही नहीं। ये इसका स्टे बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल फैलता नहीं है, तो शुगर पॉप का है, बहुत अच्छा है, नाइस। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन इस व्लॉग की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी थी कि जब अर्चना मुझे मिली ना, लिटरली वो बहुत 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 अच्छी है। आप मानो कि जैसे वो व्लॉग, मतलब व्लॉग है बिग बॉस में दिखती थी, उससे बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे उसका लड़ना, उसकी नोकझोंक, उसकी आवाज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चली। बट यहाँ पे जब वो मुझसे पर्सनली मिली, उसने खुद से मम्मा को नमस्ते बोला, मतलब बहुत चीज़ें अच्छी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, जबकि इतने बड़े बिग बॉस शो में रहकर कोई बंदा इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। लिटरली बहुत अच्छी है नेचर, इज बहुत अच्छी, आपको वीडियो में भी दिख गया होगा। और उसने बहुत प्यार से हमसे बात करी, मतलब ऐसे ही होना चाहिए कि कभी अक्कड़ नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर। अब जैसे वो इतने बड़े शो में रही, लेकिन उसमें कोई अक्कड़ नहीं आई, वो कितनी अच्छी थी अर्चना जब हम मिले। बहुत अच्छी थी, हमें ऐसे दिखता है जब तक हम किसी को फेस टू फेस नहीं बात करते। वो बार बार बोलती भी थी शो में कि मैं बाहर ऐसी नहीं हूँ, सीरियसली बिल्कुल भी ऐसी नहीं जैसे वो शो में लड़ती थी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी है रियल लाइफ में।